काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में आप सीखेंगे स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी कैसे एनेबल करें और उसके क्या लाभ हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको स्टॉक आइटम्स पर जीएसटी एनेबल करके उन स्टॉक आइटम्स के क्रय विक्रय के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको किसी स्टॉक आइटम की जगह स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी इनेबल करना बता रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमने स्टॉक आइटम पर जीएसटी इनेबल करना बता दिया है तो फिर यहाँ स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी इनेबल करना क्यों बता रहे हैं? तो चलिए इसका कारण भी समझा देते हैं। हमने अपनी वीडियो नंबर 25 जो कि स्टॉक ग्रुप के बारे में है उसमें एक चार्ट के माध्यम से स्टॉक ग्रुप की उपयोगिता के बारे में समझाया था। करीब उसी तरह का एक चार्ट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मान लीजिए हम इन सभी तरह के टीवीज का व्यापार करते हैं तो इनके स्टॉक आइटम्स बनाते समय हमें एक एक करके इन सभी में जीएसटी इनेबल करना होगा। अगर आप इस लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है आप सिर्फ टीवी के ग्रुप में जीएसटी इनेबल कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप जितने भी स्टॉक आइटम्स टीवी ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे उन सभी पर जीएसटी इनेबल हो जाएगा। बस यही हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताने वाले हैं। हमने 1 जनवरी को अपने सप्लायर सुधाकर ट्रेडर्स से, जैसा कि बिल में दिखाई दे रहा है, सैमसंग मोबाइल M33G के 5 नग, सोनी मोबाइल S25 अल्ट्रा के 5 नग, 1 टन वाले गोदरेज AC के 5 नग और 1 टन वाले LG AC के 5 नग उधार खरीदे। ध्यान रखें मोबाइल पर 18% GST है और AC पर 28% GST है। तो आइए इस ट्रांजैक्शन को टैली में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमने अपनी कंपनी हैप्पी ट्रेडर्स ओपन कर ली है। हमारे पास ये सभी स्टॉक आइटम्स बने हुए नहीं हैं और न ही इनके कोई ग्रुप बने हुए हैं। तो पहले हम मोबाइल और एसी का ग्रुप बना लेंगे और फिर इन ग्रुप्स में स्टॉक आइटम्स बना लेंगे। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स बनाना हम आपको अपनी वीडियो नंबर 25 और वीडियो नंबर 28 में सिखा चुके हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए सी प्रेस करेंगे, यहां से स्टॉक ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। नेम में हम जो ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे, जैसे कि यहां पर हम मोबाइल टाइप कर रहे हैं। अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड को यस करेंगे और यहां सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। ये देखिए ऐसा करते ही जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक ग्रुप की विंडो आ गई है। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ही टाइप कर रहे हैं। यहां हम सप्लायर के बिल में लिखा HSN टाइप करेंगे। इस नॉन जीएसटी गुड्स को नो रहने देंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस ग्रुप में हम जो स्टॉक आइटम्स बनाने वाले हैं वो सभी टैक्सेबल हैं। यहां इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 18% टाइप कर रहे हैं। ये देखिए ये सेंट्रल और स्टेट टैक्स में आधा आधा बंट गया है। अब एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम एयर कंडीशनर का भी ग्रुप बना लेते हैं। ध्यान रखें इसका टैक्स रेट 28% है इसलिए इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 28% टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चलिए अब स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके लिस्ट ऑफ मास्टर पर आ गए हैं। यहां हमें स्टॉक आइटम्स पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ रही है, यहां पर आइटम का नाम टाइप करेंगे। अंडर में मोबाइल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यूनिट्स में नंबर सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रहने देंगे। सेट
ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रहने देंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देंगे और इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह हम सभी स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। ये हमने सभी स्टॉक आइटम्स बना लिए हैं। आइए अब हमने जो खरीद की है उसका परचेज वाउचर बना लेते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। यहां सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे और यहां डेट टाइप करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में सुधाकर ट्रेडर्स सिलेक्ट करेंगे। एंटरप्राइज करते हुए हम परचेज लेजर पर आ गए हैं। यहां हम परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम्स में हम सैमसंग मोबाइल ले रहे हैं। सप्लायर के बिल में देखकर क्वांटिटी और रेट टाइप कर रहे हैं। इसी तरह हम एक एक करके सभी आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें जीएसटी लगाना होगा। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमने स्टॉक आइटम बनाते समय जीएसटी इनेबल नहीं किया था, फिर भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि हमने इन आइटम्स के ग्रुप में जीएसटी इनेबल किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि टैक्स किस तरह कैलकुलेट हुआ है। उसके लिए ऑल्टर और ए कीज प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे सामने टैक्स एनालिसिस की विंडो आ रही है। अब इसका डिटेल्ड व्यू देखने के लिए ऑल्टर और F5 कीज प्रेस करेंगे। यदि ऑल्टर और ए कीज प्रेस करने पर टैक्स एनालिसिस की विंडो नहीं आ रही हो तो कंट्रोल और I कीज प्रेस करें, फिर जीएसटी टैक्स एनालिसिस पर जाकर एंटर प्रेस करें और फिर डिटेल्ड व्यू के लिए ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करें। देखिए हमारे सामने टैक्स एनालिसिस की विंडो है जिसमें आइटम का नाम, उसकी वैल्यू, उस पर कौन कौन से टैक्स लगे हैं, किस रेट से लगे हैं और टैक्स अमाउंट कितना है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। अब हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब जीएसटी R2 पर जाकर इसकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। पीरियड चेंज करेंगे। ये देखिए हमने जो एंट्री की थी उसकी रिपोर्ट B2B इनवॉइसेस में दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी इनेबल करना और उसके क्या फायदे हैं ये बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको लेजर पर जीएसटी इनेबल करना और उसके क्या फायदे हैं ये बताएंगे।